हम लोग बहुत बार चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं हो पाती, और बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारने वाली होती हैं, वो तो थोड़ी देर में ही दिमाग से गायब हो जाती हैं, क्या करें। तो आज हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स सीखेंगे कैसे आप पढ़ोगे तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहे। आप सुबह जब पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, या जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो, पहले तो आप मोबाइल वगैरह को साइड में रख दो, सोशल मीडिया को साइड में रख दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम साइड में रख दो। अब क्या करना है, सिर्फ वो किताब जो आप पढ़ रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए, उसका मटेरियल होना चाहिए और कुछ नहीं उस टेबल पे। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल 30 मिनट का एक साइकिल काउंट करना है जिसमें 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है। समझ में आ गया, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। अब जो 25-25 मिनट करके चार साइकिल पूरे हो जाएं, ये पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, तो अब आप क्या करो, सीधे 30 मिनट का ब्रेक ले लो। इस लॉन्ग ब्रेक में आप खाना खाओ, गाने सुन लो, किसी से बात कर लो, अपनी फैमिली से बात कर लो, पर वो जो 25 मिनट आपको पढ़ना है ना, वो 25 मिनट आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है उसमें। फिर ऐसा ना हो कि आपका ख्याल तो कहीं और ही चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 25 मिनट पढ़ना है जिसमें एक ही चीज पे फोकस करनी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पे और किसी चीज पे नहीं। यार आप माइंड ह्यूमन बीइंग हो, आप थोड़ी देर में काम करते हैं, आपको भी पता थक जाते हैं। बेटर है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको एक छोटा सा पावर नैप दे रहे हो 5-5 मिनट का, तो रिलैक्स फील करके आपको ज्यादा प्रोडक्टिव इनपुट आउट